रैली निकाला है, क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में हमें भी पढ़ाओ के बच्चे एकत्र हैं और हमारे बीच महान हास्य कवि श्री शंभू शिखर आए हैं दिल्ली से इसी कार्यक्रम के लिए। छोटे बच्चों से इन्हें बहुत स्नेह है, प्यार है, इनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। असल यह है कि हम लोगों का उद्देश्य यह है कि शिक्षा का प्रसार हो। अभी तक हम लोग देखा लगभग पटना में 50 के केंद्र चल रहे हैं गरीब बच्चों का, झुग्गी झोपड़ी स्लम में जो बच्चे रह रहे हैं जिन्हें पढ़ने खाने पीने की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है, हम लोग उन्हीं बच्चों को एकत्र कर पढ़ाते हैं, उनको कपड़ा देते हैं, किताब देते हैं, सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग आपके माध्यम से, हम छोटे बच्चों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बिहार को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से पूरे बिहार में, पूरे देश में हमारी आवाज़ जा रही है। और इसके लिए चैनल वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना स्नेह प्यार से हमारे लिए नहीं, छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों में भी गरीब बच्चों के लिए आपने इतना प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हम सभी बिहार के, पूरे बिहार के बच्चों को कहना चाहते हैं कि आज शिक्षा की आवश्यकता है, आपको शिक्षा का प्रसार घर घर में हो, यही हमारा उद्देश्य है। सभी बच्चों से यह निवेदन है कि आपका जो सेंटर है, जहां आपका केंद्र है, जहां आपकी पढ़ाई होती है, वहां आप पढ़ते ही हैं, साथ साथ अपने बगल के बच्चों को भी आप, अगर मान लिया जाए कि क की वर्तनी पढ़ रहे हैं तो आप छोटे बच्चे हैं, फिर भी आप छोटे बच्चों को पढ़ाइए, एक दूसरे को शिक्षित करने का प्रयास करें, क्योंकि यह हवा बनानी होगी हम लोगों को। यह हम अच्छा संकल्प करेंगे तो पूरे बिहार के सभी बच्चे को हम शिक्षित कर पाएंगे। हम आज तमाम बिहार के लोगों से अनुरोध करते हैं कि सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं को आप सहयोग करें। नई शिक्षा नीति आ गई है, कहा गया है कि गरीब बच्चों को बढ़िया से अधिक पढ़ाएं, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक रूपता हो सके, समाज से ऊंच नीच का भेद मिट सके और सभी लोग मिलकर बिहार के विकास में हम काम करें। अब हम शंभू शिखर जी से निवेदन करेंगे कि आप अपना आशीर्वाद इन गरीब बच्चों को भी दें।